बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट टू डिफरेंट लेन्स विथ ईच अदर, और इन अदर वर्ड्स हाउ टू फॉर्म अ इंटर नेटवर्क। टू या मोर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ लेयर थ्री डिवाइस। तो लेयर थ्री डिवाइसेस में हमारे पास राउटर भी आ जाते हैं। वी कैन यूज़ राउटर टू कनेक्ट डिफरेंट लेन्स विथ ईच अदर। वी कैन यूज़ लेयर थ्री स्विचेस टू कनेक्ट डिफरेंट लेन्स एज वेल। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्विचेस होते हैं दे वर्क ऑन अ लेयर टू डेटा लिंक लेयर। लेकिन अगर हमें दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है यूजिंग स्विच, फॉर दिस वी नीड लेयर थ्री स्विच, या फिर जिसे मल्टी लेयर स्विच भी कहा जाता है, और एल्स वी नीड अ ब्राउटर। ब्राउटर इज अ डिवाइस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड राउटर। तो यूजिंग अ ब्राउटर भी आप दो डिफरेंट लेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम राउटर को यूज़ करेंगे टू कनेक्ट डिफरेंट लेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम नेटवर्क्स बना लेते हैं एंड देन वी विल कॉन्फिगर अ राउटर टू कनेक्ट दोज लेंस। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वी पिक अ स्विच, हम एक स्विच लेते हैं, देन we are connecting three machines, so as they are different devices. So fast zero with PC ke fast internet ke saath. We can also use this cable jo ke automatically connection type detect karke machines ko aapas mein connect kar degi, because we know ke different devices ko connect karne ke liye straight through hi use karte hain. So this is the first network. और इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि हमें दूसरा नेटवर्क बनाना है, तो हम ये पूरे के पूरे डिवाइसेस को कॉपी भी कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट किया इस तरीके से हमने, एंड यहाँ से हम कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज सो कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल वी। तो देखें पूरे के पूरे जो डिवाइसेस हैं ये कॉपी हो गए। अब ये जो नेटवर्क है इस पर हम जो क्लासेस देंगे, वी आर गोइंग टू टेक ए टेक्स्ट बॉक्स, हम यहाँ से ले लेते हैं। इस पर जो हम एड्रेस सीरीज चलाएंगे दैट वुड बी 192.168.0.1 की सीरीज यहाँ पर हम चलाएंगे, एंड यहाँ पर जो है वो इस नेटवर्क पर हम जो सीरीज चलाएंगे दैट वुड बी क्लास सी की होगी, प्राइवेट 192.168.10.0 की सीरीज जो है हम यहाँ पर चलाएंगे। वन नहीं, हम यहाँ पर शो कर देते हैं जीरो। ओके, तो एक ही हमारे पास नेटवर्क है जिसको फिलहाल हमें आईपी एड्रेसेस मशीन्स को नहीं दिए हैं, जस्ट फिजिकल टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट किए, जिसके एड्रेसेस हैं 192.168.0.0। ये सीरीज का हम आईपी एड्रेस देंगे और दूसरे नेटवर्क्स पर हम इन सीरीज के आईपी एड्रेस देंगे। अब इन दो मशीन, इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायर है राउटर। तो यहाँ से हम लेते हैं राउटर, राउटर। तो वेन एवर, एज आई टोल्ड यू, कि जब भी हम राउटर परचेज करते हैं तो इट्स नॉट रेडी टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ नेटवर्क डायरेक्टली, हमें कॉन्फिगर करना पड़ता है राउटर को अकॉर्डिंग टू नेटवर्क नीड। अब जैसे कि ये राउटर है, इसके एक पोर्ट के साथ हम ये वाला नेटवर्क कनेक्ट करेंगे और दूसरे पोर्ट के साथ हम ये नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। तो हमें राउटर के पोर्ट्स को, जो भी नेटवर्क हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस देना पड़ता है, जो कि कहलाता है गेटवे एड्रेस। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम राउटर परचेज करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारे नेटवर्क की स्पीड क्या है। इफ़ नेटवर्क स्पीड इज़ नेटवर्क इज़ वर्किंग ऑन अ फास्ट ईथरनेट प्रोटोकॉल। फास्ट ईथरनेट मतलब उसकी स्पीड है 100 megabits per second। तो हमें राउटर भी वैसा ही परचेज करना पड़ेगा जिसमें फास्ट ईथरनेट्स के पोर्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर हमारे पास नेटवर्क है जिसकी स्पीड है गीगाबिट ईथरनेट, जिसकी इन एमबी जो स्पीड होती है वो होती है 1000 megabits per second, तो हमें राउटर भी ऐसा परचेज करना पड़ेगा जो कि जिसमें गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स अवेलेबल हों। यहाँ पर हमारे पास स्विच भी हमने जो यूज़ किया है वो फास्ट ईथरनेट का है, तो हम राउटर भी वही फास्ट ईथरनेट वाला यूज़ कर रहे हैं। बट इन केस व्हाट इफ़ के आपके पास एक ऐसा राउटर है जिसमें गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स अवेलेबल हैं,
और जो लेन है उसकी स्पीड है फास्ट इथरनेट। तो इन दैट केस आप फास्ट इथरनेट सो इन दैट केस आप फास्ट इथरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं गीगाबिट के साथ। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी इज बैकवर्ड कंपेटिबली है हमारे पास, जो है वो डिवाइसेस इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो यस, यहाँ तक हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। अब हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए वी नीड अ पीसी एंड वी नीड अ कंसोल केबल। हमें यहाँ से कंसोल केबल सिलेक्ट की एंड RS-232। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वी आर गोइंग डेस्कटॉप एंड टर्मिनल। ओके, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस। इंटरफेस का नाम चेक कर लें, राउटर के फास्ट इथरनेट 00 एंड फास्ट इथरनेट 10। तो हम ये दो पोर्ट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो इन दो आईपी एड्रेस को हमें असाइन, इन दोनों इंटरफेसेस को हमें आईपी एड्रेस देना है। फॉर दिस वी विल राइट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 of 0। ठीक है, हम आ चुके हैं। आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं आईपी एड्रेस, और इस 00 पोर्ट के साथ हम ये वाला नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। तो हमें इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस देनी है 192.168.0.1। हम दे रहे हैं राउटर को आईपी एड्रेस। ओके, इनकम्प्लीट कमांड बिकॉज हमने सबनेट मास्क नहीं दिया हुआ है। सबनेट मास्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमें नाउ कोई भी एरर नहीं आया, इट मीन्स के आईपी एड्रेस असाइन हो चुकी होगी। फिर हमें पोर्ट को ऑन करना होता है। वी विल राइट नो शट डाउन कमांड हियर। सो लिंक जो है हमारा अप हो चुका है। हमने एक इंटरफेस को राउटर के 00 पोर्ट को आईपी एड्रेस दे दिया है। सिमिलरली हमें जो है वो दूसरे पोर्ट को भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेस को स्विच करते हैं। अब 00 नहीं, दूसरा इंटरफेस चाहिए हमें, 1 of 0। इंटरफेस चेंज हो चुका है, आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं। तो इस पोर्ट के साथ हम कौन सा नेटवर्क कनेक्ट करें, दिस वन 192.168.10 सीरीज़ वाला। तो 10.1 यहाँ पर हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं। इसी कमांड को हम चेंज करें, वन इधर ही है, 10.1 आईपी एड्रेस साइन हो चुकी है। और यहाँ पर भी हम जो है वो नो शट डाउन की कमांड एग्जीक्यूट कर ली। तो दोनों इंटरफेसेस पे हमने आईपी एड्रेसेस भी असाइन कर दिए हैं और दोनों पोर्ट्स को ऑन भी कर दिया है। वेरीफाई कर लेते हैं कि सक्सेसफुली हो चुकी है कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए वील गो बैक टू दी कॉन्फ़िग मोड एंड एग्जिट। देन यहाँ पर हमारे पास एक कमांड होती है शो ब्रीफ। सो सी, जो 00 पोर्ट है उस पर आईपी एड्रेस साइन हो चुकी है एंड बोथ पोर्ट्स आर नाउ अप एज वेल, मतलब ऑन है। नाउ दिस राउटर इज़ रेडी टू बी कनेक्टेड और इट्स नाउ वी हैव कॉन्फिगर्ड। और इसके साथ जो है हम लेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इस कंसोल केबल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से ये डिलीट की हमने उठाई और मतलब डिलीट कर दिया पीसी और कंसोल केबल। अब राउटर को हमें आके यहाँ पर अपने नेटवर्क में कनेक्ट करना है। नाउ अब इस राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी केबल चाहिए होगी, अगेन देर आर डिफरेंट डिवाइसेस। तो हमें स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए फास्ट 00। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। मेक श्योर कि आप पोर्ट्स जो हैं वो करेक्टली सिलेक्ट करें। 00 पर जो हमने इस क्लास की आईपी एड्रेस दी है, तो 00 शुड बी कनेक्टेड विद दिस लैन। और 10 पर हमने जो है ये इस क्लास की आईपी एड्रेस दी है, तो 1 शुड बी कनेक्टेड विद दिस। सो राउटर इज डन। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो मशीन्स हैं इन मशीन्स को आईपी एड्रेस असाइन करनी है। और इन मशीन्स
पर गेटवे का एड्रेस भी असाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लिक किया हमने यहाँ से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सो आईपी कॉन्फ़िगरेशन इसको हमने 192.168.0.1 जो है हम राउटर को दे चुके हैं, तो हमें यहाँ उसको देना पड़ेगी 2। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्रीवियसली हमने जब लेन बना रहे थे तो हमने गेटवे का एड्रेस नहीं मेंशन किया था, बट नाउ वी आर फॉर्मिंग इंटर नेटवर्क, हम दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट गेटवे पर भी हमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, जो कि होता है राउटर का एड्रेस। राउटर के इस पोर्ट पर जो भी हमने एड्रेस दिया है, विच इज़ 192.168.0.1, तो हमें बेसिकली गेटवे जो इस राउटर का है वो एड्रेस हमें यहाँ पर गेटवे में बताना पड़ता है, एंड दैट्स इट। सिमिलरली दूसरी मशीन को भी हम इसी तरीके से आईपी एड्रेस देंगे .3, एंड यहाँ का भी हमने गेटवे देन आईपी एड्रेस 4 एंड 1। इस नेटवर्क पर आईपी एड्रेस असाइन हो चुके हैं, इसका आपके पास 10.0। अगेन सिलेक्ट डेस्कटॉप आईपी एड्रेस 2.168.10.1 जो है वो हमने राउटर को दिया था, तो यहाँ पर अगेन हम 2 सिलेक्ट करेंगे एंड गेटवे एड्रेस राउटर के जिस पोर्ट के साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है उस पोर्ट का आईपी एड्रेस, विच इज़ 10.1। अगेन यहाँ पर भी हम वही सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आईपी एड्रेस साइन करेंगे 3 एंड 1। And same for this machine. Four and one. So now हमने राउटर पर भी आई पी एड्रेस असाइन दे दी, मशीन्स को भी आई पी एड्रेस असाइन कर दिए, गेटवे एड्रेसेस भी असाइन कर दिए। अब हमें कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। वी कैन टेस्ट कनेक्टिविटी बाय यूजिंग पिंग कमांड एंड बाय, क्योंकि सिम्यूलेटर है तो सिम्यूलेशन में हम जो है वो PDU के थ्रू भी चेक करते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्या करते हैं, पिंग के थ्रू कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश करते हैं कि वी विल पिंग दिस राउटर फ्रॉम दिस मशीन। इस मशीन से हम इस राउटर को पिंग करेंगे, अगर पिंग सक्सेसफुल हो गया तो कनेक्टिविटी मीन्स इस मशीन की इस्टेब्लिश हो चुकी है। सिमिलरली इस नेटवर्क की भी किसी एक मशीन के साथ जो है हम राउटर को पिंग करके देखेंगे। तो हमने ये मशीन सिलेक्ट की है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम आए एंड पिंग करो राउटर का जो एड्रेस है 192.1.0.1, एंटर किया। सो सी टाइम टू लिव, हमारे पास रेस्पॉन्स जनरेट हो चुका है, इट मीन्स के ये मशीन जो है ये राउटर के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। इस मशीन को हम करते हैं पिंग, इस मशीन से राउटर को पिंग 192.168.10.1 एंड सो इट्स टेकिंग टाइम, रिक्वेस्ट टाइम आउट, दैट मीन्स के देयर इज सम एरर, हमें हो सकता है हमने आईपी एड्रेस जो गलत दे दी हो। सो लेट मी चेक, यहाँ से हमने ऑन किया है एंड राउटर का जो ये पोर्ट है 192.168.10.1, यस इट्स करेक्ट 10.1। इस मशीन की आईपी एड्रेस देखते हैं हम, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.2, यस सी। तो यहाँ पर इस मशीन पर जो हमने गेटवे का एड्रेस दिया है वो क्या लिखा हुआ है, सो दीज आर सम टिप्स फॉर ट्रबल शूटिंग, कि हमने जब पिंग नहीं हो रहा था इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने गेटवे का एड्रेस चेक किया, गेटवे का एड्रेस करेक्ट था,
तो हमने इस मशीन को सिलेक्ट किया, इस मशीन के आईपी कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया, तो यहाँ पर हमने जो गेटवे एड्रेस दिया था 168 की जगह था इट वाज 186। यहाँ पर आईपी एड्रेस में भी मिस्टेक है, 168 168। ओके सो अगेन हम सेम मशीन को यूज़ करके देखते हैं, पिंग करेंगे हम। इस तरीके से हम ट्रबल शूट भी कर सकते हैं नेटवर्क को। हम दूसरी मशीन से भी इन केस पिंग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको भी दोबारा से, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो इन सब की आईपी एड्रेस में मसला होगा, तो हमें इनको 168 168 इस मशीन से हम करके देखते हैं इसको पिंग। टाइम टू लिव, ओके। तो सेकेंड मशीन भी जो है वो पिंग कर रही है राउटर को। सो दिस इज़ दी वन वे टू चेक कनेक्टिविटी, पिंग कमांड इज सक्सेसफुल, तो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो चुकी है। सेकेंड हम ये पीडीयू को टेस्ट करके देखते हैं, हम एक नेटवर्क से ये मशीन जो है इट्स सेंडिंग डेटा टू दिस मशीन। तो हमने ये सिनेरियो सेट कर दिया है, सिनेरियो को हम प्ले करते हैं एंड सी। फिलहाल ये इन प्रोग्रेस है, तो सी ये पैकेट जो है यहाँ से आया है टू द स्विच, स्विच विल चेक के वेदर द पैकेट इज विद इन द सेम लेन, इफ नॉट द पैकेट ट्रांसमिट होता है हमारा राउटर के पास, देन राउटर ने ट्रांसमिट किया है टू अनदर स्विच और ये हमारा जो है वो पैकेट यहाँ तक पहुँच चुका है। नाउ एक्नॉलेजमेंट जो पैकेट सेंड हो रहा है यहाँ तक पहुँच चुका है, देन एक्नॉलेजमेंट पैकेट राउटर तक। एंड सक्सेसफुल, सो हमारा जो एक पैकेट है फ्रॉम वन नेटवर्क टू सेकेंड नेटवर्क तक डिलीवर हो चुका है यूजिंग राउटर। तो स्टूडेंट आज के ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट लेंस यूजिंग राउटर एंड हाउ टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन दोज नेटवर्क्स एंड हाउ टू सेंड दी डेटा। अब यहाँ पर हमें राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये दोनों नेटवर्क एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमने राउटिंग को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। बट जब हमारे पास मल्टीपल राउटर्स आ जाते हैं, व्हेन देर आर सो मेनी नेटवर्क्स एंड मल्टीपल राउटर्स, तो फिर हमें राउटिंग या रूट्स जो हैं वो भी कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। बट दैट वी विल डन इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तो दिस वॉज एंड ऑफ द ट्यूटोरियल।